तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर फेस्टिवल सेल स्टार्ट है, और आपको यह भी पता होगा कि 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट थी। इसके अंदर आपको मोबाइल फोन पर भारी डिस्काउंट देखने को मिल गया था। और ऐसे में गाइस, मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट ने जो बिग बिलियन डे सेल के अंदर काफी स्मार्टफोन सेल किए हैं। लेकिन गाइस, अभी तक जो आपने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के अंदर स्मार्टफोन को बाई नहीं किया था, और आप सोच रहे हो कि हमें अभी के टाइम में एक स्मार्टफोन बाई करना है, तो ऐसे में गाइस, मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर दशहरा सेल स्टार्ट है। ये सेल 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगी। इस सेल के अंदर भी आपको मोबाइल फोन पर भारी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बजट है 15,000 रुपए के आसपास या 15,000 रुपए से कम, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपको कितने डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाएगी, और कौन से स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होगा। तो गाइस, ये सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप के इस वीडियो को आज तक जरूर देखें। अगर आप हमें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट थी, वहां पर आपको SBI के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन दशहरा सेल के अंदर आपको महिंद्रा कोटक बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा, और HSBC के क्रेडिट कार्ड पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बात करते हैं 15,000 रुपए की कीमत में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम में रियलमी 7 स्मार्टफोन 15,000 रुपए प्राइस में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर गाइस, आप इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट दशहरा सेल के अंदर बाई करते हो, तो अगर आपके पास है महिंद्रा कोटक बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड या HSBC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसे में आप इस स्मार्टफोन को 13,500 रुपए की कीमत में बाई कर सकते हो। गाइस, रियलमी 7 स्मार्टफोन पर आपको हीलियो G95 का SoC मिलता है, 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप, 5000 mAh की मैसिव बैटरी और 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है। गाइस, 13,500 रुपए की कीमत में रियलमी 7 स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होगा, और आप इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट दशहरा सेल में बड़ी आसानी से और हाई डिस्काउंट के साथ बाई कर सकते हो। अगर गाइस, आपका बजट है 12,000 से 13,000 रुपए के बीच में, अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो जो आपको एक बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए और अच्छे कैमरे देखने को मिले, तो ऐसे में गाइस, 12,600 रुपए की कीमत में आपको पोको M2 प्रो स्मार्टफोन मिलेगा। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G के SoC मिलता है, 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, सेंटर पंच होल कटआउट दिया गया है, 5000 mAh की एक मैसिव बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। अगर गाइस, आप कार्ड्स का यूज करते हो, तो ये स्मार्टफोन आपको काफी डिस्काउंट के साथ मिलेगा, यानी कि पोको M2 प्रो स्मार्टफोन आपको 12,600 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाएगा, जो मुझे लगता है 12,600 रुपए में आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस रहने वाला है। तो गाइस, ये जो सेल चलने वाली है दशहरा से लेकर 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगी, तो इसके बीच में आप इन स्मार्टफोन को बाई कर सकते हो। तो गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की। तो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट स्मार्टफोन भी पोको का स्मार्टफोन आता है, जिसका नाम है पोको M2। तो गाइस, अभी तक आपने अगर पोको M2 स्मार्टफोन को बाई नहीं किया है, तो दशहरा सेल के अंदर आप पोको M2 स्मार्टफोन को 9,000 रुपए की कीमत में बाई कर सकते हो। गाइस, 9,000 रुपए की कीमत में आपको ये स्मार्टफोन 6GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलेगा, फुल HD प्लस की डिस्प्ले दी गई है, मीडियाटेक हेलियो G80 के SoC, 5000 mAh की मैसिव बैटरी और 18W की फास्ट चार्जिंग, क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है। अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए कार्ड्स का यूज करोगे, तो ये आपको काफी डिस्काउंट के साथ मिलेगा, यानी कि 9,000 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से 9,000 रुपए की कीमत में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा, और आप इस स्मार्टफोन को अभी 21 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के बीच में बाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन की। गाइस, रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन 10,000 के बजट में आता है, और अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए कार्ड्स का यूज करोगे, तो नार्जो 20 स्मार्टफोन करीब आपको 9,450 रुपए की कीमत में मिलेगा। तो गाइस, 9,450 रुपए की कीमत में नार्जो 20 स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन 6000 mAh की मैसिव बैटरी, 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे के सेटअप के साथ आता है, और यहाँ पर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। अगर आपका बजट है 10,000 रुपए के आसपास, तो ऐसे में आप नार्जो 20 को भी बाई कर सकते हो, ये भी रियलमी की तरफ से आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होगा। तो अगर गाइस, आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप करीब 1,500 रुपए ज्यादा खर्च कर सकते हो, तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस रियलमी 7i भी रह सकते हैं। गाइस, ये स्मार्टफोन दशहरा सेल के अंदर आपको करीब 10,800 रुपए की कीमत में मिलेगा, अगर आप कार्ड्स का यूज करते हो। कार्ड्स का यूज करने से फायदा ये होगा कि आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो 12,000 रुपए के स्मार्टफोन होगा वो आपको 10,800 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाएगा। तो रियलमी 7i आपको 10,800 रुपए की कीमत में मिलता है। 10,800 रुपए में आपको 64 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरे का सेटअप दिया जाता है, 5000 mAh की मैसिव बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग, और स्नैपड्रैगन 662 का SoC मिलता है, 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज, पंच होल कटआउट वाली डिस्प्ले और 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। तो मुझे लगता है कि 10,800 रुपए की
की कीमत में Realme 7i स्मार्टफोन भी आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होगा और आप इसे स्मार्टफोन को दशहरा सेल के अंदर बाई कर सकते हो। अगर आपने Flipkart बिग बिलियन डे सेल के अंदर मोबाइल फोन बाई नहीं किए थे तो ऐसे में आप दशहरा सेल के अंदर इन स्मार्टफोन को बाई कर सकते हो, लेकिन गाइस कंडीशन ये होगी कि आपके पास महिंद्रा कोटक बैंक का क्रेडिट और डेबिट कार्ड होना जरूरी है या आपके पास HSBC बैंक का क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको करीब 4 से 5 ऐसे स्मार्टफोन बताए जिन पर आपको काफी डिस्काउंट मिलते हैं और सारे के सारे स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गाइस अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए गाइस अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।